जब पाई। अच्छा बीच में एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, कई बच्चों को ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी कि रेडियन आया कहाँ से, क्या चीज है। देखिए बेटा, रेडियन की डेफिनेशन क्या है, वन रेडियन क्या है, वन रेडियन की डेफिनेशन बताता हूँ, साइंस के बच्चों को थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि कोई भी यूनिट सर्कल, कोई भी सर्कल है, उसकी जितनी आर्क है, जितनी आर्क यानी कि इक्वल टू रेडियस, अगर ये रेडियस के इक्वल टू आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी दैट इज वन रेडियन। वन रेडियन क्या होता है, वन रेडियन होता है एंगल मेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस एट सेंटर। एंगल मेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेंटर, रेडियस एट द सेंटर, यानी कि जितना रेडियस है उसके इक्वल लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, ये रेडियस के इक्वल जो आर्क है, अगर आर्क की लेंथ इक्वल टू रेडियस है तो जो ये एंगल बनाया जाएगा ये ठीक था, ये वन रेडियन होगा। नहीं आया अभी वन रेडियन की डेफिनेशन, हार्दिक? चलिए अब देखिए बेटा, वन रेडियन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको कन्वर्ट सिखाऊंगा, कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/5। वहीं से ही कंसेप्ट उठाया है, 180/5 से। कैसे, अगर मैं π/6 कहता हूं तो आप π/6 इंटू 180/5, पाई से पाई कैंसिल इक्वल टू 30। अगर मैं 2π/5 कहता हूं तो 2π/5 इंटू 180/5, पाई से पाई कैंसिल हो गया 72 डिग्री। ठीक है, नोट कर लिया, अगर नोट करने में दिक्कत आती है चलो तो चला ही जाएगा सब कुछ व्हाट्सएप पे, यू कंफर्टेबल है यू करने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता नोट करते रहो क्वेश्चन में ना, नोट करने से साथ साथ याद हो जाता है, बाद में उसको उठा के देखो भी दिक्कत आती है। अभी कॉपी में बेस्ट है भाई, आप लोग भी साथ साथ कॉपी में नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ये मत सोचिए सब कुछ व्हाट्सएप में आ जाएगा, व्हाट्सएप में भले ही आ जाए लेकिन नोट जरूर करिए, क्योंकि हाथ से नोट करते हो जब समझ में आएगा, आपको बिल्कुल बोर्ड की फीलिंग होगी जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, अगर साथ साथ नोट करेंगे तो। क्योंकि मैं देखो साथ साथ स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूं, तेज स्पीड नहीं है मेरी, आप उसको इजीली नोट कर सकते हो। अब मुझे बताइए, 3π/4 को रेडियन है आपका, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 3π/4 और इंटू 180/5, पाई से पाई कैंसिल, ये 45, 135 डिग्री। तो मुझे लगता है कि डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलने में मैं कामयाब रहा। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि
आपको दे दिया 2 रेडियन, इसको कहेगा कन्वर्ट इनटू डिग्री। दो रेडियन है आपके पास, 2 रेडियन है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे 2 रेडियन को डिग्री में? देखो मैंने पहली बार सी लिखा है, सी मतलब रेडियन के लिए इस्तेमाल होगा। पाई बाई फोर, पाई बाई सिक्स में मैं नहीं लिखता, अंडरस्टूड है वो नोटेशन में। लेकिन स्पेसिफाई अगर मैंने 2 के ऊपर सी लिखा है, इसका मतलब 2 रेडियन। चलिए कन्वर्ट 2 रेडियन आपके पास क्या है, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 180/5। और ये आ गया बेटा, एक मिनट भाई साहब, पाई की वैल्यू अब 22/7 लिखेंगे यहाँ पर, नोट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे जब आप इसको 2 रेडियन को, 2 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180/5, और पाई आपका वही है 22/7। जब मैं डिग्री की बात करूंगा तो 180 डिग्री है पाई, लेकिन पाई 22/7 ही है। क्लियर है सभी को? नई चीज नहीं है पाई, वही 3.14 समथिंग है। अच्छा तो पाई की वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू देखिए आप क्या हुआ, 360/4 में 5 करिए, 11 जा और 180। ये वैल्यू आपकी है डिग्री 1 2